ओ भाई साहब, ये क्या किया है? मैंने नहीं किया। मैंने किया यार, मैं उठा रहा था ये, तो ये गिर गई है, बांटने के लिए आया था। उठाओ जल्दी से, उठाओ ये वाली तो बचा लूं भाई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसमें डालो यार। ऐसे। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सुबह सुबह शान ने कहा टॉफियां बांटते हैं, तो अभी लेके आए हम मार्केट से। तो इधर वो बच्चे खड़े हैं, वो बच्चे है। चलो इनको दे दो सबसे पहले। हाँ ये चलो आगे चलते हैं। वहाँ पर सामने बच्चे खड़े हैं बहुत ज्यादा, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको जाके देते हैं। चलो दिल तो नहीं कर रहा होगा देने का, है ना? नहीं कर रहा ना, फिर भी दे रहे हो। लेते जाओ सारे, ले लो बाद में खेल लेना। लेते जाओ, लेते जाओ, हाँ जितनी दिल करे ले लो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो। वाह बस, वो क्या हो गया? ओ भाई, अरे यार ये गलत बात है यार। जिस जिसको नहीं मिली ना, आपस में बांट लो सारे एक एक करके। चलो हाँ, जिसको नहीं मिली आपस में कर लो। तुमने सबसे ज्यादा लिए हैं। हाँ खाली हो गया शयान। अब ये छुपा लो, छुपा लो, एक घर लेके चलते हैं। आ जाओ, दिखाओ फाइल्स मुझे दे दो। ये फाइल्स हैं तुराप की। आपको मैं बता दूं, अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। तो आपका है आज आइज की सर्जरी, मतलब ऑपरेशन है आइज का, तो अभी उधर जा रहे हैं हम। तो भाई आपको बता देता हूं मैं कि है क्या सीन क्या है। अभी तक आपको कुछ नहीं आइडिया नहीं हो रहा कि क्यों जा रहे हैं। इसकी आंखों को क्या है, बिल्कुल ठीक तो है, नजर सब कुछ नज़र आ रहा होगा, आपको लगता होगा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी आंखों के कौन सा नंबर है भाई? 6.5 नंबर लेफ्ट आइज का है, और जो राइट आई है ना उसका है तकरीबन 3.5 नंबर। यानी कि इसको बहुत धुंधला नजर आता है, ना होने के बराबर है दूर का। जी हाँ, तो उसके लिए हमने इसका मतलब एक हल निकाला है कि इसका एक ही हल है, या तो चश्मा पहने रखो, जो कि बिल्कुल नहीं पहनता। ऐसा ही है ना, आपने कभी भी इसको चश्मे में देखा ही नहीं होगा। जितने भी व्लॉग्स हैं उठा के देख लो, दो साल में एक आध दफा आपने शायद देखा हो तो देखा हो। वैसे ये चश्मा नहीं पहनता, पता नहीं क्यों नहीं पहनता, इसको चिड़ है चश्मे से। तो इसलिए इसने अपना हल निकाल लिया है, प्रॉपर हल जिसको बोलते हैं ना, लेजर ट्रीटमेंट, जिससे क्या होता है आइज के जो है ना जितना भी नंबर हो ना उसके चश्मे का, वो खत्म हो जाता है और नॉर्मल बंदे की तरह बंदा देख सकता है बगैर चश्मे के। और आपके साथ एक्सपीरियंस होने वाला है। डर लग रहा है यार थोड़ा थोड़ा। भाई इसकी आंखों को पता नहीं क्या काटेंगे, क्या करेंगे, कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है इसके साथ। तो ये आपको अर्थ का मैप नजर आ रहा होगा, लेकिन ये अर्थ का मैप नहीं है, ये इसकी आंखों का नक्शा है अंदर का। तो ये देख सकते हैं इसमें कुछ मसले मसाइल होंगे जो कि बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हमें। तो हमें समझ भी नहीं आएगी जितना भी कोशिश करें समझने की। इसको बंद करना है। तो फाइनली यार हम हॉस्पिटल के करीब पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी देर में तुराब भाई का ऑपरेशन होने वाला है। हमने सब कुछ कर लिया था, अपॉइंटमेंट वगैरह सब ओके है, पहले भी चेक करा चुका है एक दफा। तो अभी मतलब पहुंच के ही ना इसका शुरू हो जाएगा काम, आंखों। ऐसा ही है जी। क्या हुआ, बंद है? ये क्या बात हुई भाई? उन्होंने 1:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन भाई डेट वेट चेक कर लो क्या, मतलब तुमने कोई गलती कर दी है क्या? की थी ना हमने जाने से पहले। अच्छा, तो भाई यहाँ पर नहीं था तो हमने थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पे इन्होंने पहले चेक कराया होगा, लेकिन इनकी जो सर्जरी होगी ना भाई साहब की, वो एक और जगह है, वहाँ पे जाना है हमने, तो वहाँ से कराएंगे। चलो जल्दी चलो भाई, टाइम हो गया। चलो चलो। तो फाइनली यार पहुँच चुके हैं, वो है क्लिनिक, वहाँ जाना है हमने। चलो तो क्लिनिक पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में इसकी जो है ना सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम वेटिंग में हैं, तकरीबन लग जाएंगे 10-15 मिनट, तो उसके बाद हम जाएंगे ऑपरेशन थिएटर में। ऐसे ही है जी, वेट कर रहे हैं अभी। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन थिएटर में, और मेरी अब ट्रीटमेंट होने जा रही है। तो भाई के साथ हूँ मैं अभी, यहाँ पर शूज़ उतारने हैं। सिप्टैन को अलाउ नहीं किया, उन्होंने बोला है कि कम से कम बंदे अंदर जाने चाहिए। शूज यहाँ उतार दूँ? पहन लीजिए, पहन लीजिए। अच्छा अच्छा, चलो। डर भी लग रहा है मुझे। तो कहाँ जाना है? सामने चाहिए। तो वेटिंग में सामने से ये पहनिए, सामने से पहनिए। सामने से जी। अच्छा खड़ा हो जाता हूँ ना जी। ऊपर
ओए इसकी आंखें लाल हो रही हैं भाई, दर्द तो नहीं हुआ? दर्द हुआ है? तकरीबन 10 मिनट लगे होंगे, सारा कुछ हो गया। हमने कहा इतना टाइम लग जाएगा लेकिन 5-10 मिनट में फारिग हो गया। अब यहाँ पे भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। हेलो, नहीं नहीं आंखें नहीं खुली। अच्छा, एक दफा खोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो पढ़ना शुरू हो गया यहाँ से। शुरू कर दे। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह तो आपका ट्रीटमेंट जो है ना बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है, कोई मसला नहीं आया, तो इसी की उम्मीद थी हमें, तो ऐसा ही हुआ है। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, बाहर आया हूँ मैं राइड बुक करने, अभी जाना है घर वापस, क्योंकि तो आपको करना है अब रेस्ट कुछ दिन, एक दो दिन देखेंगे फिर सिचुएशन के मुताबिक। तो उसके बाद जब प्रॉपरली ठीक हो जाएगा ना फिर ये नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजार पाएगा, अभी कुछ एहतियात करनी है उसने। तो अभी कैब बुक की है मैंने, तो आने वाली है राइड, तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। भाई अब बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बस शुरू में यार डर लगा। अच्छा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। ठीक है। और जब फिर लेजर ने अपना काम शुरू कर दिया तो उस टाइम मुझे धक-धक हो रही थी। अच्छा। और भाई तो आपसे तो बोला भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने कहा इसको तुम रेस्ट करो, तो भाई भी रेस्ट कर रहा है, सो रहा है, अब घर जाके भी रेस्ट ही करेगा, और मैं भी बहुत ज्यादा थक गया यार, तो मिलते हैं यार घर जाके। चलो जी, फाइनली यार घर पहुंच चुके हैं, और आप जाएं अंदर, आपका काम हो गया, कैसा फील हो रहा है? अब ठीक है, बेहतर है ना? हाँ सही, सही है ना? जाएं रेस्ट करें, ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय 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 बाय। अब ठीक हो गया, कन्फर्म हो गया, सब ओके है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो सबसे पहला काम मैंने ये किया किचन में डायरेक्ट आके ना खाना भाई खुद ही उठा रहे, तो भाई जल्दी से खाना खाते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है, बहुत काफ़ी है। तो खाना शाना खा लिया है, और मैं ये देख रहा हूँ यार इस साइड का रंग जो ना रहता था वो अभी वो भी हो चुका है, ऊपर से रहता है, लेकिन ये वाला देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले से बताएं वो वाला रंग अच्छा था, पहले वाला ग्रे वाला, या ये येलो येलो वाला अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, आपने बताना है। ये देखिए फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक आ रहा है, देखिए पत्थर वगैरह भी लग गए हैं, तो ऊपर से फिर भी रहता है, ये हो जाएगा ना फिर टोटल जब लुक आया ना वो बहुत प्यारा होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिल गया यार, शुक्र है। ये मिट्टी का तेल है, इधर आओ। इसने काम किया आज, ये देखें सारा पेंट लगा दिया, यहाँ पे पेंट लगा हुआ था तो यहाँ पे लगा दिया, अब काटना पड़ेगा बाजू, पता है इधर पड़ी थी, सही है, इससे काटें या फिर इससे काटें? इससे किसे काटें बताओ, आपकी चॉइस है, इससे जो है ना कम दर्द होगा और इससे ज़्यादा दर्द होगा, बताओ किससे काटें? इससे करें? नहीं। इससे भी नहीं करें? फिर क्या जबान से चाटूं क्या इसको? ये साफ तो करना है ना, ये पानी है, पानी से साफ होगा, ठीक है? हाँ, ये मिट्टी का तेल है, इससे हो जाएगा, दिखाओ। दिखाओ, हो रहा है ना? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, क्या बात है भाई। तो भाई ये साफ कर लूँ इसका, फिर मिलते हैं आपसे। यार शान का हाथ साफ करके उसको मैंने फारिग कर दिया, वो चला गया घर, तो आप भी रेस्ट कर रहा है क्योंकि उसने खाना छाना खाना होगा, वो रेस्ट कर रहा होगा, खाना खा के सो जाएगा। तो यार ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा व्लॉग, तो जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे। और आप सोच रहे होंगे अभी तक गाड़ी क्यों नहीं, हमारी गाड़ी भी आ जाएगी यार, उसके थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन की थोड़ी सी रहती थी, वो हो जाए फिर फ़ौरन हम ले लेंगे गाड़ी भी, तो कुछ दिन, एक दो दिन, तीन दिन, देखते हैं कब तक होता है ये काम। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।